नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कृषि बिल को लेकर के देश भर में सियासत गर्मा चुकी है। किसान से लेकर के राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई है, जो हर तरफ से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसान नारेबाजी भी कर रहे हैं और उससे काफी नाराज भी है। गुस्साए हुए किसानों ने दुष्यंत चौटाला के पोस्टर जला करके अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन इस दौरान नियमों की उल्लंघना करना किसी भी तरह से जायज नहीं है और नियमों की उल्लंघना करना पूरी तरह से जायज भी नहीं है और करने भी नहीं दी जाएगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों को अध्यादेश के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता उमेद लोहान के समर्थकों की ओर से पोस्टरों को चलाया गया। उनकी मांग है कि दुष्यंत चौटाला को किसानों के हित में होकर के इस्तीफा देना चाहिए। वहीं तख्तियों पर नारे लिख करके किसान चौटाला के खिलाफ अपना विरोध भी जता रहे हैं। जिन पोस्टरों को चलाया जा रहा है उन पर चौटाला के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं। दरअसल किसानों की मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चित किया जाए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि उधर कांग्रेस नेता उमेद सिंह लोहान ने दुष्यंत चौटाला पर दगाबाज होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहने की ज़रूरत है जो वक्त आने पर दगा देते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देवीलाल के नाम पर दुष्यंत चौटाला ने वोट बटेरे, लेकिन जब किसानों का साथ देने की बात आई तो सत्ता सुख भोगने में लगे हैं। पल पल हरियाणा से विशेष रिपोर्ट। वो केवल छानबीन करता है।